नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। इवनिंग स्पेशल एपिसोड जो हमने अभी चलाया है 5:30 बजे से लाइव शो में आज आपके समक्ष आया हूं। और आज हमारे बीच में ग्राम पंचायत चगांव से, जो मेरा अपना ही पंचायत है, वहां से प्रधान पद के लिए जो दावेदारी पेश की है, जया नेगी जी आज हमारे साथ होंगे। आज हम जानेंगे अपने गांव के बारे में और ग्राम पंचायत चगांव के बारे में, और जो महिलाएं जो सशक्त अपनी दावेदारी पेश कर रही है, और जो महिलाएं आगे बढ़ रही है, जो नौजवान महिलाएं जो एक पंचायत में भागीदारी दिखा रही है, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो मतलब इस प्रकार का दावेदारी में एक अपना योगदान दे रहे, तो मंच में उपस्थित हो चुके हैं, तो मैं उनको बुला लेता हूँ। जया जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपका एमसेन फेसबुक पेज में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मतलब कि मुझे मतलब कि यहाँ पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं मतलब कि इस चैनल पर जितने भी श्रोता देख रहे हैं, मतलब दर्शक देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सब का मतलब कि मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी कि भाई इस परिचर्चा में मतलब कि इसको इसमें भाग ले रहे सभी। जया जी आपका बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपने एक जो है अपना जो लीडरपन जो आप पहले से ही करते हो कॉलेज जमा टाइम से ही, आपने चगांव में आकर एक पंचायत को एक सक्षम बनाने के लिए आपने दावेदारी ढाली है, तो इस पर हम आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। जया जी, तो ये हमें बताइए कि आपको ये जो प्रोत्साहन जो राजनीति में आने का, जो हमारे चगांव में प्रधान पद का प्रोत्साहन, क्या क्या ये आपको रिजर्व सीट आने पर ही प्रोत्साहन मिला, या पहले से आपके अंदर में जुनून था कि हमने कुछ करना है गांव के लिए? सर जैसे कि आपने बताया कि भी जो लीडरशिप क्वालिटी कॉलेज टाइम से मतलब कि मैंने जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट एंड रहते रहते मतलब कि मैंने कॉलेज में काफी किया है, तो हालांकि मतलब कि जो हमारा कॉलेज का जो है और अभी गांव की पॉलिटिक्स में काफी फर्क है। और बात रही जो प्रोत्साहन की, तो इस बार मतलब कि जो हमारे गांव में जितने भी यूथ है, शायद उनकी सोच मतलब कि भी इतनी ब्रॉड हो चुकी है आज की डेट में कि भाई वो मतलब कि सबसे पहले तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इस बार उन्होंने मुझे काफी प्रोत्साहित किया है। खासकर जो यूथ है उन्होंने मुझे काफी प्रोत्साहित किया है, इसलिए मैं उन लोगों का मतलब कि तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जया जी, अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा कम कैमरे को सेटिंग करें, आपका आधा जो सिर कट रहा है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। हाँ, इस प्रकार से। जया जी, आपको कॉलेज में कॉलेज से जो राजनीति, आपने लाल सलाम की शुरुआत की थी, कि कितने साल हुए आपको लाल सलाम की शुरुआत में, जो आपने बहुत सारी योगदान दिए हैं आपने, क्योंकि लाल सलाम काम ही ऐसा करता है, जनसेवा और हाँ जनता जी, की चीजों को आगे लेकर चलता है, तो कितने साल हुए थे आपको कॉमरेड में आपको? सर देखो ये मैंने जितने कॉलेज में रहते हैं मैंने मतलब कि कॉलेज में पूरे 5 साल दिए हैं, और शायद मैंने राजनीति सीखी वहां से। मतलब कि जब तक मैं वहाँ कॉलेज में पहुंची नहीं तो राजनीति के बारे में शायद मुझे बिल्कुल भी कुछ ज्ञान था नहीं, तो जितनी भी मैंने राजनीति आज तक सीखी है मैंने वहीं से सीखी है। और शायद मतलब कि आप जो लाल सलाम बोल रहे हो वहां पे कॉलेज में मतलब कि कोई सा भी अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि अगर जो कोई भी यूथ हो अगर जैसे कि पॉलिटिक्स में अपना मतलब कि करियर और बनाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है वहाँ कॉलेज में। आज के डेट में तो आप स्कूल टाइम से ही मतलब कि भी अगर इसके बारे में आपको मतलब कि स्कूल टाइम से भी मिल जाता है। जी, वैसे तो गांव की राजनीति में, गांव के पंचायती राज में राजनीति का कोई रोल नहीं होता, लेकिन राजनीति पक्ष जो अपने दावेदारी ठोकते हैं, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि आप जो है चगांव पंचायत से कौन सी पार्टी से उठ रहे हैं, निर्दलीय या किसी पार्टी के साथ आपने ज्वाइन किया है? सर ये आपने मतलब कि आपका बहुत ही अच्छा ये सवाल आया है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि भाई इस बार मतलब कि यूथ ने मुझे मतलब कि इसीलिए मुझे प्रोत्साहन किया है कि भाई यहाँ पे मतलब कि भाई ठीक है हर अपना राजनीतिक दल उन्होंने अपना दावेदार पेश किया है, तो भाई यहाँ पे एक निर्दलीय उम्मीदवार भी का भी होना जरूरी है। तो फिलहाल मतलब कि मैं अभी निर्दलीय ही की उम्मीदवार हूँ। आपके लिए कमेंट्स आया है, नमस्कार। मैम, महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण
का मतलब आज की डेट में तो खासकर किन्नौर जैसे क्षेत्र में तो मतलब कि महिला सशक्तिकरण बोले तो वहां पे तो आज की डेट में आपको पता है महिलाओं के लिए मतलब कि दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा मतलब कि वहां पे महिलाओं को इतना आज की डेट में बहुत ही प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किन्नौर में आज की डेट में कि कोई भी नारी बेचारी बनकर नहीं रह गई है। मतलब कि अपने किन्नौर के क्षेत्र में देखा जाए तो बेचारी तो बिल्कुल भी नहीं किन्नौर के अंदर। तो फिर भी मतलब कि भाई हाँ ये जैसे कि इस बार मतलब कि मैक्सिमम जो है कि भाई महिला जो रिजर्व रिजर्व है चाहे प्रधान का हो चाहे ये जिला परिषद वगैरह अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए ये जो रिजर्वेशन आ रहा है ये बहुत ज्यादा ये जरूरी है कि ताकि मतलब महिलाएं और आगे बढ़ सके उन मतलब कि उनके अंदर भी ये जुनून होगा वो आगे बढ़ मतलब कि और बढ़ सकता है। जया जी, हमारा विषय अभी थोड़ा बीच में रह गया था। जब आप उठे हो आप पंचायत में, तो आपने कहा कि नवेल मतलब जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने आपको प्रोत्साहन किया, लेकिन क्या इसमें कोई राजनीतिक दलों ने आपको प्रोत्साहन किया? जी राजनीतिक दलों का तो वही है। अब जैसे कि मैं वही सोच की बात कर रही हूँ अगर जी आज की डेट में लोगों की अगर सोच बदलती है भाई अगर वो यही देखेंगे कि भाई आज युवा आज की डेट में मतलब कि भाई अनुभव की कमी हो सकती है बट जो जोश और जुनून है वो युवा के अंदर भरपूर भरपूर है। तो अगर काम करने के लिए जोश और जुनून होना बहुत जरूरी है। अनुभव तो भी कि आप जब परिस्थितियों का सामना करेंगे अनुभव तो मतलब कि परिस्थितियों का सामना करने से ही आएगा अनुभव। तो जया जी, आप बताएंगे आपके चगांव पंचायत में कितने वार्ड है, और एक एक वार्ड की आप नाम बताएंगे? हाँ जी हाँ जी ये जो हमारे चगांव में 7 वार्ड है। हाँ जी जी हाँ जी नहीं, 7 वार्ड में से सारे वार्डों की आप गिनती कराई, कौन कौन से वार्ड है? ये जैसे कि अब मैं तो अभी पूरी तरह से मुझे ये नहीं पता है कि भी कौन सा वार्ड जैसे कि अब धर्मालिंग में क्या मतलब कि जो तीन तीन वार्ड धर्मालिंग के अंदर आते हैं वार्ड नंबर 5 सेकंड धर्मालिंग में आता है और वार्ड नंबर 6 आपका ये याशों से नीचे क्या बोलते हैं ला वाले से टापी, स्टार्ट वहां से नीचे स्टार्ट होकर पूरा टापी से फिर ऊपर ये जनकपुरी तक पड़ता है। बाकी याशिंग वार्ड हमारा ये याशिंग से शुरू होकर काली रंग से ऊपर होकर पूरा ये जो सारियों से सारियों तक जाता है। जया जी, अभी अभी नाम वापस लेने के भी टाइम आ सकते हैं, ऐसे में आपको किसी पार्टी का दबाव आता है तो क्या आप नाम वापस लेंगे? नहीं अब तो मतलब कि ये मतलब कि अब वो नाम वापस लेने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अब जो यूथ ने मुझे मेरे ऊपर जितना विश्वास जताया है या जो मुझे प्रोत्साहित किया है तो मैं अब उनके विश्वास पे खरे उतरना चाहती हूँ। यहाँ पर एक सवाल आया प्रमोद नेगी का, व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी आफ्टर इलेक्शन? इधर आपको बताता हूँ मैं, एक सेकंड, ये कोयला से शायद निचार के है तो जी जी अभी जी इनको ये बताना चाहूंगी कि प्रायोरिटीज तो अब अपने गांवों पे अलग अलग प्रायोरिटीज रहेगी। आपके लिए गुड लक जया, बेस्ट ऑफ लक, गोमयान जी ने कहा है हाँ जी हाँ जी थैंक यू बाय। आपके लिए। और है कि जया, आपके पंचायत में क्या ध्यान रहेगा, और पहले कुछ किया है आपने पंचायत के लिए? कहने का मतलब है कि आपने पहले कभी, मैं गोमयान जी को बताना चाहता हूँ, हमारी जया जी पहले जो है लाल सलाम के साथ काम किया, इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो लोगों की बातों को आगे बताना लेकर आए हैं। जी, सलाम मतलब कि भी ये देखो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हाँ होता है जी वो कि भी लाल सलाम मतलब कि भी वैसे एक अलग ही चीज है। तो जी लाल जी सलाम जी कॉलेज में भी हम लोग सिर्फ यूज करते हैं हालांकि लोगों को पता नहीं है कि लाल सलाम का मतलब बट सर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग है। मतलब कि जो लाल सलाम हो रहे हैं वो एक पार्टी बेस पे होता है ऊपर जबकि हालांकि मैंने पार्टी कभी ज्वाइन नहीं किया। जो आप लाल सलाम बोल रहे हैं मैंने पार्टी कभी ज्वाइन की नहीं मैंने सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स जी की है जी आज। हाँ जी चलिए, हम गांव गांव के मुद्दे में आते हैं, बाकी तो चला रहेगा, गांव के मुद्दों पर हम बात करते हैं। सबसे कौन सा काम होने वाली जैसे जैसे कि हाँ, यहाँ बता रहे हैं राजनेगी जी, ये निगुलसरी से है, तरंडा से, आपकी पंचायत में आपके हिसाब से कौन सा काम होना बाकी है जिनके पिछली पंचायत काम नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत जी हाँ जी आपको जानकारी तो ये बताएं। सवाल शायद गांव से ही आने चाहिए थे तो ये भी अच्छा है कि भाई गांव के बाहर के लोग ये सवाल कर रहे हैं। ये मतलब कि गांव से अभी तक शायद किसी का सवाल आया नहीं है। बस वही है कि भाई हमारे गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है पानी का दूसरा है रोड का मतलब कि जो सबसे आज
की डेट में कई सालों से, पता नहीं कितने सालों से, जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है पानी और रोड का। तो भाई मेरी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही है कि भाई पानी का जो समस्या है, मतलब कि मैं उसका मतलब कि जल्द से जल्द मतलब कि उसका समाधान करना है। और वो कैसे करना है भाई, अगर वही हम जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर चुने जाते हैं तो वही है, जनता हमें चुनेगी, तो हम जनता के सलाह से, उनके मशवरे से ही, जब मतलब कि भी आगे जब क्या बोलते हैं ग्राम सभा होंगे, मतलब कि उनके सलाह मशवरे से ही हम कैसा करना है उस पे काम करेंगे। मतलब कि हमारा जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वही है, पानी और रोड का। जया जी, रोड के बारे में मैं बताऊंगा। पिछली जो हमारे बीर सिंह नेगी जब प्रधान बने, उसके बाद काफी सुधार हुआ है रोड के बारे में, जी काफी ज्यादा पहले पहले से बेहतर, काफी रोड सड़क चीजों में बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, पानी के बारे में मैं ये कहूंगा कि पानी चगाव में हर जगह बहुत दिक्कत है, इस पर जरूर काम करें। हाँ जी तो रोड में आप मैन मुख्य अभी कहाँ तक पहुंचाना आपका लक्ष्य रहेगा, क्योंकि तकरीबन पहुंच चुका है, अभी कहाँ हाँ जी आपका तालमेल है? अभी इसी पे आना चाहती थी कि भी देखो सबसे बड़ी समस्या है पानी का। अब पानी जी कहाँ से लाना है ये सब मतलब कि पूरे के पूरे गांव वाले जानते हैं कि पानी ऐसे तो कि है नहीं कि भी आप मतलब कि भी 2 कदम चल दिया और वहां से आपको पानी को लेके आना है। और ये समस्या इसीलिए इतने सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है कि भाई शायद रोड की समस्या। आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर विकास करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वहां तक आप रोड पहुंचे, तभी रोड पहुंचेगा तभी आप हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। तो मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि भाई वही मैं कह रही हूँ कि भाई अगर हम जब चुने जाएंगे जी अगर हम जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाते हैं तो मतलब कि वही है कि गांव वालों के सुझाव से अगर मतलब कि भी अगर गांव वाले अब जब रोड हम लोग पहुंचाएंगे, मेरा वही है कि अगर दुम शाखर तक अगर रोड जाता है दुम शाखर तक, क्योंकि मतलब कि मेन वहीं तक है, वहां से आगे तो भाई भाई आपका मतलब कि प्लेन है रास्ता, दुम शाखर तक अगर रोड पहुंचाया जा सकता है गांव वाले उसके लिए, जैसे कि भी आपका जगह वगैरह देते हैं। मेन वही है कि जब आप रोड कहीं भी रोड जाता है तो भी गांव वाले कुछ लोग अपनी जगह देने से मना कर रहे हैं या वही। अब जब गांव का विकास करना है तो गांव वालों को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मतलब कि मेरा पहला वही है कि अगर वहां तक रोड पहुंचा है तो पानी लाना और ज्यादा थोड़ा आसान हो जाएगा। और जया जी, जैसे कि पानी और जया जी, जितने भी आप लोग रहे हैं उन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो लोग काम करें, बट वो काम आज तक अधूरा क्यों रहा है उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि भाई वही है मतलब कि वहां तक जैसे कि कुछ भी सामान पहुंचाना है, औजार पहुंचाना है, लोगों को पहुंचाना है, तो रोड की मतलब कि रोड नहीं पहुंचने की वजह से वहां आपको पता है, ये गांव वालों को सबको पता है कि वहां कितना दूर है। इस बार लॉकडाउन के टाइम में जून के महीने में मैं खुद विजिट किया है वहां रोपती तक दुमशाकार होते हुए, हम गए थे 3-4 लोग, तो मैंने देखा है कि वहां पे पाइपे वगैरह जो लगे हैं या तो फट गए हुए हैं या तो वहां दुमशाकार से नीचे मतलब कि रास्ते में पड़े हुए हैं। अब वो मतलब कि बजट तो आया है, अब उस बजट का मतलब या तो मिसयूज बोल सकते हैं या तो मतलब कि लोगों ने मतलब कि इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि भी हो क्या रहा है। मतलब कि भी इसमें आप मतलब कि सिर्फ प्रधान को नहीं बोल सकते, गांव वालों ने भी शायद पूछा नहीं मतलब कि वहाँ पाइप ऐसे ही पड़े हुए रास्तों में। अभी मतलब कि कुछ लोगों का कहना है कि भी पाइप गायब हो गए वहां से, तो वही कहीं ना कहीं कारण ये है कि वहां तक रोड नहीं पहुंचा। अगर रोड पहुंचता है तो लोगों को वहां तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी, वहां पे डंगे ऐसे ही चले गए। तो हम लोगों ने वहां पे काफी कोशिश की कि रोकती तक पहुंच कर, मतलब कि हम 3-4 लोगों ने हमारे पास ना औजार कुछ नहीं था, मतलब कि यूं अपने हाथों से मतलब कि पानी को पहुंचाने की कोशिश की। हमने धुमशाखा से नीचे चगाओं के लिए भी लगाया भी दिया था, बट वही है क्योंकि वहां पे मतलब कि जो डंगे गए हुए कहीं ना कहीं फिर पानी वहां से नीचे हर कहीं से नीचे जा रहा है, तो वही है वहां पे दोबारा मतलब कि नए सिरे से पूरा काम करने की जरूरत है। जो ये काठगर वाला पानी आना है तो पूरा काठगर से लेकर जो या तो चाहे पाइपलाइन के थ्रू लाना है या चाहे मतलब कि वो तो फिर वही है कि ग्राम सभा में गांव वालों से सलाह मशवरा करके भी जिस तरह भी लाना हो, तो ये चीजें हैं। जया जी, आप बताएंगे कि आपको अभी हमारे गांव में आए हुए कितने साल हुए? इससे पहले आप कॉलेज लाइफ में थे, तो अभी कितने साल हुए? सर मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। मैं पूछ रहा हूं कि आपको यहाँ आए हुए, अब आ रही है मेरी आवाज? सर आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर। आप एक बार ऐसा कीजिए, चलो आप अपने आप से बोलते रहिए आपका प्रोग्राम, मैं कुछ और तकनीक से जुड़ जाता हूँ, आप तब तक बोलते रहिए।
सर मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ कम आ रही आवाज। आप तब तक कुछ बोलते रहिए, मैं तकनीकी प्रॉब्लम देखूंगा। आप तब तक गांव के बारे में को क्या क्या चीज, और आपको कमेंट से देता हूं मैं, उस पर आप बताइए, ये प्रतिक्रिया पढ़िए आप आप। अपने प्रश्नों में नया क्या करोगे जो अब तक प्रदान नहीं कर पाए। अच्छा, और एक सवाल आया है कि पंचायत में आप नया क्या करेंगे जो कि अब तक प्रदान नहीं कर पाए। देखो सर, नया करने के लिए तो अभी तो पुराने ही काम बहुत सारे हैं करने के लिए। नए काम तो जब पुराने काम खत्म हो जाएंगे तभी नया काम और करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी जो पुराने काम पूरे गांव वालों की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वही है, पानी और रोड का है। और कोई अगर यहाँ पे गांव के लोग जुड़ रहे हैं तो मैं गांव वालों से ये भी कहना चाहूंगी कि भाई जो पानी आपका जो शंकर वाला पानी था वो भी, उस पे भी जो काम हुआ था वो भी पूरा का पूरा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है अधूरा। जो शंकर से जो आपका ये रुशना होते हुए, आपका ये त्यूदम होते हुए वो जो पानी काले रंग तक पहुंचा है तो गया है। रुशनंग में टैंक बनाया है, त्यूदंग में टैंक बनाया हुआ है, बट उसका कोई यूज नहीं हुआ है। जो वहां शंकर से जो पानी आया वहां पे तो सारे पाइप भी फट गए, वो बस एक बार वो जो ट्रायल हुआ वही शायद फेल हो चुका है वो। तो अब वही है जो ग्राम सभा में जैसा भी होता है, मतलब कि वहां पे लोगों के जो सुझाव आएंगे उसके काम, मतलब कि उसके बाद ही हो पाएगा कि भाई हाँ अगर हम जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कि भी कैसा करना है वहां पे। और जिस तरह से पानी की समस्या है कि अभी तो पीने के पानी, ये तो पीने का पानी चाहे सिंचाई के लिए हो चाहे पीने के लिए हो सबसे बड़ी समस्या वही है। हाँ जया जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि पानी का जो विषय था, अब ये जी बताइए कि आप जब आप पंचायत में, अब जब आप आओगे तो सबसे पहला जो मैन आपने जो सोचा होगा कि मैंने ये काम करना है, तो पहला आपने क्या टारगेट रखा है? सब टारगेट वही है कि अगर मैंने वही कहा था कि अगर धुमशाघर तक अगर पहले रोड पहुंचाया जाए तो भी पानी लाने में ज्यादा आसानी होगी। ये पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। अब शिक्षा के बारे में आप कुछ बताएंगे? सरकार प्राइमरी स्कूलों को जो है बंद करने के कगार में। सर मैं इस पर भी आना चाहती थी क्योंकि जब ये इन्होंने निगी मुनीष ने पूछा है कि भी आप नया क्या करोगे, तो नया करने के लिए वही है कि भी जैसे कि मैंने वही की जो सबसे गंभीर समस्या है वो तो बता दिया, बाकी इसके अलावा जो है गांव के लिए कि भी मैं मतलब कि मेरे ये चीज वही है क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स ये चीजें मेरे अंदर पहले से ही है कि गांव में जो खास कर ये जो प्राथमिक शिक्षा है कि भी ये जो नींव मतलब कि भी है एक जो नींव होती है उनका बेसिक होता है कि भी इस पे काफी मतलब कि ये भी बहुत सोचने की जरूरत है आज की डेट में कि बंद क्यों हो, मतलब कि भी यार ये गांव वालों को हर गांव में ये मतलब कि भी एक जिम्मेवारी के तौर पर लेना पड़ेगा कि भाई यार आखिर ये क्या दिक्कत कहाँ आ रही है कि भी आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं। भाई एक मतलब कि एक और चल पड़ा है कि भी नहीं बस बच्चा 3 साल का हो गया कि आपको वही कि भाई प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने पड़ रहे हैं। भाई मेरा अगर एक वो भी रहेगा कि मेरा लक्ष्य वो भी रहेगा कि भाई हाँ जितने भी प्राथमिक स्कूल्स है गांव में
कि वहां पे मतलब कि विजिट करके अब इन चीजों पर मतलब कि वो देखना पड़ेगा कि भी हाँ दिक्कत कहाँ आ रही है। गांव वालों से ये भी वही कि भी जब मीटिंग करेंगे ग्राम सभा में ये बात रखी जाएगी कि भी आप अपने बच्चों को ज्यादा हो सके आप अपने गाँव में पढ़ाए। बाकी मतलब कि वही वहाँ जो शिक्षा का स्तर आज के दिन में सिलेबस तो है, खासकर अब वहां पे जो शिक्षक होंगे अब आज के दिन में एसएमसी तो होती होती है, एसएमसी के थ्रू मतलब कि भी रेगुलर वहां पे मीटिंग्स करने के बाद मतलब कि वो आप रिपोर्टिंग ले स्कूल से, पेरेंट्स जब मीटिंग मीटिंग होगी तब। जी हाँ और मतलब ये है कि जैसे कि आज के दिन में सिलेबस में हमारे टाइम में जैसा होता था कि भाई जैसे कि नैतिक मूल्यों के लिए आप हम नैतिक शिक्षा पढ़ते थे, रामायण होता था अलग से, महाभारत होता था अलग, क्योंकि तो हमारे तो सिलेबस ही वैसा नैतिक मूल्यों से अवगत कराने के लिए हमारा तो सिलेबस में ही होता था। बट आज के डेट में शायद वो सिलेबस में नहीं है बच्चों के, तो शायद कहीं ना कहीं शिक्षकों की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को नैतिक मूल्यों से अवगत कराया जाएगी। नहीं तो आपको पता है आज के डेट में बच्चे मतलब कि उन चीजों से काफी वंचित रह गए हैं। और अब जैसे कि और मैं हर गांव वालों से मतलब कि ये भी मतलब कि विनती करना चाहती हूँ कि भी बच्चों को आप जहां तक हो सके भाई इतने छोटे बच्चों को इतना प्रेशर ना डाले। आज की डेट में वो सोच बनी गई कि बच्चा जब बोलना शुरू कर देता है आप उसको मतलब कि अंग्रेजी में बोलना सिखा रहे हैं या 1 2 3 सिखा रहे हैं। आपको आज के डेट में इवन अब तो काफी बड़े भी हो गए बच्चे जो इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं उनको जैसे कि आप अगर हिंदी में गिनती बताई जाए, मान लो हम 49 बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 49 कितने को बोलते हैं, 49 59। कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कृति को खत्म करने वाले मतलब कि कोई और नहीं शायद हम लोग ही है कि भाई हम क्योंकि अपने बच्चों को या तो हम नैतिक मूल्यों से अवगत नहीं करा पा रहे या फिर हम अपने खुद नहीं चाहते कि भाई ये चीज है कि मैं मतलब कि मैं हर कहीं मतलब कि वही प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर मतलब कि मैं इन्हीं चीजों से मतलब कि गांव वालों को अवगत कराना चाहती हूँ कि भाई आप घर में भी और स्कूलों में भी शिक्षकों से वहां पे मीटिंग करके ही बताया कि वहां पे बच्चों को किस तरह से आप पढ़ा सकते हैं एक नैतिक जिम्मेवारी लेकर, भाई भले वो चीजें सब्जेक्ट में है या नहीं है। जया जी, जो प्राइमरी स्कूल होता है हमारा, नींव होता है, उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने बच्चों को क्यों इंग्लिश स्कूल में ढालते, कारण ये है कि वहां पर सारी सुविधाएं होती है, सारी टीचर रखे होते हैं। आपके प्राइमरी स्कूल में कम से कम 7-8 टीचर रखे होते उन्होंने, और हमारे प्राइमरी स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा होता है। ना तो हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है, हालांकि प्राइमरी स्कूल में लाइब्रेरी हो और एक अच्छा संगीत शाले हो, अच्छा खेल का मैदान हो। तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हमारे जया जी शायद छूट गए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूलों का जो शिक्षा का सत्र जो हमारा जो गिर रहा है, और प्राइमरी स्कूल जो बंद होने के कगार का यही कारण है कि हम नेटवर्क की दिक्कत आ रही है आपके यहाँ ना जी। हाँ जी हाँ जी सर थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं जया जी, प्राइमरी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पंचायत प्रतिनिधि बनकर आओगे तो सबसे पहले प्राइमरी नींव को जरूर एक अच्छा बनाने के लिए सोचे। भले ही आप पूरा पंचगांव में सभी स्कूलों को ना करें, तो एक वार्ड वाइज पकड़े, पहले आप किसी एक वार्ड के स्कूल को पकड़िए, एक साल उसको अच्छे बेहतर से करवाइए, फिर दूसरे साल आप दूसरे वार्ड को पकड़िए। क्योंकि प्राइमरी स्कूल असल में हम लोग सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों का जाने का कारण ये है कि वहाँ हमारे नींव वैसे नहीं है, कहने मतलब अब नहीं, अब क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन में हमारे को हम चाहते कि बच्चे हमारा नवोदय में निकले, हमारा एकलव्य में निकले, तो इस वजह से हम बच्चों को जो है इधर उधर ढाल रहे। तो प्राइमरी स्कूलों को कृपया आप जो नींव जो है बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ आ रहे हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर हाँ जी बिल्कुल आपने ये सर बिल्कुल सही बात कही है कि भाई हाँ नींव अब देखो मतलब कि वही है कि भाई जो प्राइवेट स्कूलों में बता रहे कि आप टीचर्स ज्यादा है या फिर मतलब कि वहां पे हर तरह की सुविधाएं मिलती है, सुविधाएं मतलब वही है कि मेरे कहने का मतलब वही है कि जो चाहे मतलब कि हमारे जो प्राइवेट प्राइमरी स्कूल है और सरकारी स्कूल है उसमें टीचर्स कम भी होंगे, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो लोग शायद अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे कि भाई हमारे हमारे टाइम में भी तो सिर्फ एक ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ही होते थे जो जेबीटी टीचर्स होते थे।
और उस टाइम और आज की डेट में, आज की डेट में जो शिक्षा जी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण शायद दिक्कत आ रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि जहां दिक्कत आ रही है हम ब्रॉडबैंड की सेवा, बीएसएनएल ब्रॉडबैंड की स्कीमें आई है, बीएसएनएल काफी नेटवर्क इशू आ रहा है। जी, आपका शायद सिग्नल में प्रॉब्लम है। चलिए हम दूसरे पर दूसरे मुद्दों पर आते हैं। इस पर आप अब लोग भी जान गए कि क्योंकि नींव यही है और नींव को सुधारना पड़ेगा, आपके दिमाग में बैठ गया। अब आगे है आपके लिए सवाल आता है, गुडलक जया जी, यहाँ आ रहा है कि सड़क पानी के अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या प्लान है आपका? सड़क और पानी तो ये जो हमारी जीवन शैली के सारे प्लान है, इसमें अब स्वास्थ्य भी आता है, तो इसमें आपका क्या आपका प्लान है? हाँ जी, ये मैं स्वास्थ्य पे भी आना चाहती हूँ। ये जो हमारे खासकर जो गांव में आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मेरे हिसाब से तो काफी सालों से सिर्फ नाम मात्र के लिए वहां पे जो आपको प्राथमिक उपचार की जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहती है, गांव वाले पूरे के पूरे वंचित वंचित है। गांव वाले छोटे से छोटी बीमारी के लिए उनको टावरी दौड़ना पड़ता है, छोलतू दौड़ना पड़ता है। तो वो मतलब कि मेरे मुझे लगता नहीं कि भाई वहां पे जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि भी उसका मतलब कि रोल क्या है, आज तक मैं तो समझ नहीं पाई हूँ। बस वहाँ भी सिंपल से खांसी जुकाम या सर दर्द के लिए भी लोग टाबी दौड़ रहे होते हैं। तो भाई अगर हाँ, अगर हम जनप्रतिनिधि के तौर पर चलो, निश्चित तौर पर मतलब कि हम भी, मेरा लक्ष्य ये भी रहेगा कि भाई वहां पे उसको इस चीज को भी सुधारा जाए। जया जी, इनकी तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। अब हमें विषय था हमारा कि बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड की सेवा स्कीम शुरू की है, अगर इस प्रकार से नेटवर्क की दिक्कत आ रही हो तो आप ब्रॉडबैंड की सेवा लगा सकते हो, क्योंकि ब्रॉडबैंड की सेवा हमारे एमसीएन के द्वारा किया जा रहा है। जया जी कोई बात नहीं, आप जुड़ते रहिए। अब दूसरा सवाल है, हाँ दूसरा जी सवाल है, आपने ध्यान से सुनना, बहुत सामाजिक सेवा है। हमारा जो है चगांव, मतलब हमारा बगरामंग एरिया इफेक्टेड एरिया में आता है। हाँ जी हाँ ये जी जो आपका सड़क पानी बिजली, ये तो आपके गांव के मुद्दे में आएगा। अब आता है सामाजिक मुद्दा, जो सामाजिक मुद्दे से लोग आज तक अछूते हैं, क्योंकि बहुत सारे पंचायतें हमारे बगरामंग के हो गए, राजग्रामंग के हो गए, आज तक वो चीज नहीं कर पाए। उसके लिए आपका आपका एक प्रायोरिटी क्या रहेगा? मेरा एक सवाल है, जो छोलटू में हमारा जो एक जेपी इंडस्ट्री का हॉस्पिटल बना है, वहां पर जो हमारे इलाज के लिए फीस लगता है, हमारे इलाज के लिए दवाइयों के लिए पैसे लगता है, क्योंकि जबकि हम इफेक्टेड एरिया में आते हैं, हमारी सारी जी सुविधाएं फ्री होनी चाहिए और वहां पर डॉक्टर की सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक वैसे ही वहां पर एक शिक्षा स्कूल भी खोला हुआ है, जहाँ हमारे बच्चे की पढ़ाई हो और अच्छे मतलब कम फीस में पढ़ाई हो। इन दो चीजों जो ये हमारे पूरे पगरामंग एरिया के लिए, इस पर आप क्या क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में आपका? सर, इसमें तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर हाँ, अगर हम जैसे कि अफेक्टेड एरियाज में आते हैं तो भी निश्चित तौर पर वहां पे हमारे को जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिलना चाहिए चाहिए। तो जैसे कि अगर वहां पे हमारे को पैसे देना कम से कम देना पड़े, और जो वहां पे स्कूल है वहां पे भी फीस हमारे लिए जो प्रोग्रामिंग के लिए है, जो अफेक्टेड एरियाज है उसके लिए कम से कम हो। इसके लिए तो भाई वही है कि आगे अगर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो हम या तो मतलब कि उनके साथ जो वहाँ क्या बोलते हैं कंपनी के साथ और अपने सरकार के साथ तालमेल बिठा के मतलब कि इस चीज पर जरूर गौर करेंगे कि भी क्या हो सकता है, किस तरह से किया जा सकता है। मेरा एक सामाजिक और एक वो है, सामाजिक एक प्रश्न है, हाँ इस पर जी थोड़ा सा आपने आपने ध्यान देना। हमारे किन्नौर में एक रिवाज बना हुआ है, कहने का मतलब, मैं आता हूँ कैमरे के पास ही, जनप्रतिनिधि जैसे हमारे किन्नौर से चुनकर आते हैं, जैसे आज एमएलए हो गए, एमएलए या सांसद कोई भी आता है, तो एक रिवाज बना हुआ है अलग अलग जगह पर एक स्वागत करने का, अलग अलग जगह पर वो करने का। जैसे टापरी का स्वागत होता है, जनकपुरी में स्वागत होता है,
या फिर जगह में स्वागत होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे, जब हम प्रतिनिधियों को चुनकर जाते हैं तो वहां पर जो स्वागत का जो एक प्रायोरिटी बनता है वो पंचायत का हो, महिला मंडल का हो और युवक मंडल का हो। पूरे गांव वाले आ जाते हैं टोपी माला लेकर, ये क्या सही है क्या? मेरी नजरों में, अगर मेरी सोच के साथ जाए तो मुझे मतलब कि ये चीज सही नहीं लगती है, क्योंकि भाई आपको अगर कोई भी हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे सांसद से लेकर चाहे मतलब कि एक वार्ड मेंबर से लगे, भाई वो एक आपका मतलब कि जनता की सेवा के लिए आपको जनता ने चुना है। जी वो ही बोलते हैं ना कि भाई आप चुनाव तक तो भाई कोई भी नेता हो भाई जनता के सामने हाथ जोड़ता है, और वही मतलब कि जी चुनाव जीतने के बाद जनता उसके सामने हाथ जोड़ती है। तो ये मेरे लिए मतलब कि ये बहुत गलत चीज है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक भाई जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं, तो आप जन सेवक की तरह ही काम करें, मतलब कि भी अपने आप को भी वैसा ना हो कि भाई हाँ जैसे आप बता रहे कि फूल माले टोपी लेके गए आप उसको, मतलब कि जनता को भी ये सोच बदलनी पड़ेगी कि मेरा भी आप। मेरा मेरा सवाल है, सिर्फ जी पंचायत के प्रतिनिधि, महिला मंडल, युवक मंडल जो होते हैं वो करे, मतलब पूरा गांव आ जाता है? मतलब आपको मैं बताता हूँ, अलग अलग एक बार लग जाती है बस स्टैंड से लेकर अरे तक, जो एक बहुत ही गंदी प्रक्रिया बनाई गई है, इसको सुधारने की बहुत। अगर आप बाय द वे आते हो तो एक अपना एक नियम बनाए और लोगों को समझाए, वो हमारे हमारे प्रतिनिधि है, हमारे सेवक है, उसका उनका काम है महिला मंडल और आप लोगों का काम है महिला मंडल हो गए, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हो गए। जो जी पंचायत के प्रतिनिधि होंगे या फिर हाँ महिला मंडल युवक मंडल, भाई उनके जो मतलब कि गिने चुने बस कुछ प्रतिनिधि वो उनके स्वागत के लिए जा सकते हैं, बाकी वो ही है कि पूरा जनता जनार्दन मतलब कि भी वो इकट्ठा होना, मतलब कि इस चीज पे जरूर गौर किया जाएगा। आपने शिक्षा के बारे में बात हुई, हमारी नींव नींव आपकी कहाँ से कमजोर है। आपने सड़क के बारे में बात की, सड़क के बारे में भी बताता हूँ, सड़क खोलते जरूर है लेकिन सड़क खुलने के बाद पंचायत पर्यावरण पर ध्यान नहीं देती, जबकि हमने हमारे हमने ही खोला होता है। तो इस पर आप पर्यावरण पर भी कुछ विशेष ध्यान रखोगे क्या? हाँ वो पर्यावरण पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि अब जैसे कि वही जो मेन समस्या है तो हमने बात कर ली, उसके बाद जो जी गांव में है कि भी आपको आज की डेट में पता है जो युवक मंडल बने हैं, जो महिला मंडल जी हुए, तो मतलब कि मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि उनका मतलब कि विस्तार किया जाए, मतलब कि युवक मंडल जो मंडल में मतलब कि ज्यादा से ज्यादा युवकों को जोड़ा जाए। और मेरा एक ये सुझाव ये भी रहेगा कि भी जैसे युवक मंडल है तो गांव में युवक के साथ साथ युवतियां भी होगी, उनको भी शायद युवक मंडल में, क्योंकि आज के उनका तो अलग से महिला मंडल तो ठीक है महिलाएं हैं, खासकर अब जो एजुकेशन पूरी करके कुछ लड़कियां गांव में होगी भाई उनको भी मतलब कि आप जोड़ सकते हैं। और मतलब कि पर्यावरण के लिए एक ही आपको पता है गांव में सब एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप वहां पे पेड़ पेड़ की बहुत कमी है, और जितने हैं उसमें भी लोग आग लगा देते हैं या ये चीजें। तो मेरी ये प्रायोरिटी कि महिला मंडल और युवक मंडल मिलके ज्यादा से ज्यादा जहां जहां पे भी खाली जगह होगा वहां पे आप कोई सा भी पौध मतलब कि भी कोई सा भी पौधा हो आप पौधे रोपे, ज्यादा से खाली जगह जहां पे भी होता है, तो इससे मतलब कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में काफी हद तक जया सहायता मिल सकती है, मतलब कि ये जया जी इसके चीजें लिए शहर में काम पंचायत करने से जया काम जी करेंगे। एक जया वही अगर जी पानी की कमी है बट अगर जैसे कि पानी की समस्या का हल हो जाता है तो जैसे कि पौधे में जब पौधे डालेंगे तो निश्चित तौर पर मतलब कि जया जी ये जो पर्यावरण पर है, मैं आपको एक बताता हूँ, पर्यावरण आवाज आ रही है मेरी? कम आ रही है सर। पर्यावरण पर यह आपका नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, आप कमेंट्स पढ़िए, पानी और याशंग रोड के लिए क्या आप करोगे? जी बिल्कुल, पानी पे तो मैं पहले बोल चुकी हूँ कि पानी के लिए बोल चुकी हूँ। याशंग रोड का वही है, जो याशंग रोड अभी याशंग तक पहुंचा नहीं है, और जो ये भोई मोड़ से जो याशंग मतलब कि वैसे तो पूरा टावरी से लेकर पूरा चगांव तक का रोड, मतलब कि मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि आपको हालांकि जो पूरा ये एनएच एनएच में आता है जो आपका ये उन्नी होते हुए जो गया ये रोड, फिर भी मतलब कि जितना इस रोड को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से वो प्रायोरिटी नहीं मिल चुकी है। पूरा का पूरा रोड के बहुत खस्ता हाल है, टावरी से लेकर ऊपर गाँव तक जो रोड है, तो मतलब की प्रायोरिटी यही रहेगी कि भी पूरा मतलब की वो मेडल किया जाए रोड को, और भोए मोड़ से जो याशंग तक रोड पहले तो कंप्लीट किया जाए, और उस रोड को भी जो वो उसमें गड्ढे गुड्ढे पड़े हुए हैं मतलब कि छोटी गाड़ियां तो चलाने लायक ही नहीं है शायद जहां तक रोड पहुंचा हुआ है, कि उस रोड में सुधार लाना बहुत जरूरी है।
हाँ, यहाँ विनय नेगी का आपके लिए सवाल आया है कि एग्रीकल्चर जी के और हॉर्टिकल्चर के में आप क्या हाँ विशेष काम करोगे आप? जी हाँ, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यही है कि भाई हाँ, जैसे कि किसानों के लिए भी वही है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या खासकर फिर वही है सिंचाई का, सिंचाई के लिए पानी ना नहीं है किसानों के लिए, तो किसानों के लिए हो सकता है कि भाई हाँ, अगर वही सबसे बड़ी फिर समस्या कुल मिलाकर वही पानी पे आते हैं। बाकी जैसे कि किसानों के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि आज की डेट में किसानों को जैसे कि सस्ते बीज वगैरह प्रोवाइड करना, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बिठा के कुछ भी उनसे बात करके जैसे कि सस्ते बीज प्रोवाइड करना, ये लक्ष्य रहेगा। जया जी, नशे के रोकने के लिए, नशे को रोकने के लिए क्या प्लान है आपका? हाँ जी हाँ, ये और एक ये बहुत अच्छा सवाल आया जो कि भी मेरे जहन में भी था। आज की डेट में यूथ बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और ये नशा मतलब कि जो नशा बढ़ते जा रहा है इसका मेन कारण ही ये जो कि बेरोजगारी। तो मेरा वही जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भाई जो युवक मंडलों का विस्तार करना, मतलब कि मेरा और ये है कि जैसे युवक मंडल गांव में जैसे कि उनको जैसे कि युवक मतलब कि युवक हो चाहे मतलब कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी होगा, कहीं ना कहीं उनको मतलब कि हम अपनी नैतिक जिम्मेवारी ले कि हर गाँव के लोग ये जिम्मेवारी कि उनको हम ज्यादा से ज्यादा हम जितना खेलों के लिए प्रेरित करेंगे तो शायद उनका हम माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं कि वो नशे मेन वो नशा की जितना खाली बैठेगा। क्यों तो एक तो गांव में आपको पता है वहां पे शायद जगह भी कम है, इवन जो प्राइमरी स्कूल है कई प्राइमरी स्कूल के पास तो अब वहां खेलने तक ग्राउंड तक नहीं है। मतलब कि मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि भी कोई स्पेसिफिकली अगर जगह मिलती है तो हम मतलब कि वहां पे ग्राउंड का निर्माण करें ताकि वहां पे बच्चों को खेलने का मौका मिले, तो भी कहीं ना कहीं मतलब कि इसे नशे को रोका जा सकता है। जया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? कम आ रही है सर। आपके यूथ के लिए क्या कर रहे हैं आप? मतलब आपकी यूथ के लिए और कोई प्लान है नया? और यूथ के लिए सर यही चीज रहती है, यूथ के लिए प्लान वही है कि यूथ का मतलब कि वही है जैसे कि अब जितना जितना मतलब कि जैसे युवक मंडल है यूथ के लिए तो वही कर सकते हैं कि भी आप अभी जैसे आप जगह में पंचायत भवन बन भी रहा है जैसे कि उसी में आपको जैसे क्लब भवन वगैरह में उसमें क्लब के लिए भी मिल जाएगा, वहां पे ज्यादा से ज्यादा उनके लिए मतलब कि जितना भी हो सकता है करेंगे। जया जी, आपकी अभी उम्र कितनी है? सर इस टाइम मेरी उम्र 32 है। हाँ, आप एक सही मतलब आपने एक राजनीति एक चुना है। आप अगर अच्छा करते हो और चुनाव जीत कर आते तो बहुत आगे जाओगे। आपका आगे आगे के जो इस राजनीति में आने के बाद, क्या आपका आगे एमएलए तक का टारगेट रखा है कि प्रधान पद तक ही आप सीमित रहेंगे? सर बिल्कुल, अगर इस टाइम हम चुने जाते हैं या नहीं भी चुने जाते तो अगर अब आज के भी अगर हम अगर राजनीति में कूदे ही है तो भी निश्चित तौर पर हम मतलब कि भी इसमें मतलब कि आगे तक बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल सोचा तो यही है कि भी अब इससे पीछे तो हटेंगे नहीं। जया जी, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति दलदल है। आप इस विषय में बताएंगे, क्या सच में राजनीति दलदल है क्या? सर मतलब कि आज के डेट में कहीं ना कहीं मतलब कि जैसे कि लोग चुनाव के बाद चुनाव से पहले तो मतलब कि आपका ये राजनीति पर हर गली हर नुक्कड़ हर गांव में बहुत सारी चर्चा होती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो हर कोई ये बात करता है यार कि भाई मतलब कि भी कोई भी चुना गया कि यार गलत चुना गया है ये है, फिर मतलब कि उसके बाद ये लोग बात ये करेंगे कि भाई ये राजनीति है ही बहुत बुरी चीज, खासकर मतलब कि यूथ अगर यूथ भी अगर ऐसे बात करने लगा कि राजनीति बहुत भाई दलदल है ये भाई, अगर यूथ ये सोचेगा अगर हर कोई ये सोचेगा कि राजनीति तो राजनीति करेगा कौन, और जब तक राजनीति नहीं होगी और नहीं होगी तब तक विकास कैसे होगा, तो अगर कोई ऐसा सोचता है तो फिर ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि अगर ये सोचे कि राजनीति एक दलदल है। इसलिए खासकर जो युवा वर्ग को तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, जी उस दलदल में उस दलदल से तो बाहर जाना भी पड़ेगा और बाहर भी निकलना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम पंचायत चगांव से प्रधान पद के उम्मीदवार कुमारी जय भक्ति जी, जो एक
कॉलेज टाइम के एक SFI के लीडर रह चुके हैं, राजनीति के बारे में अच्छी तरह से परिचित है और गांव में प्रधान पद के दावेदारी ढाले है और नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने का उन्होंने कदम उठाया। उन्होंने बताया कि शिक्षा और रोड और पर्यावरण आदि, स्वास्थ्य आदि को लेकर हम काम करेंगे। मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं हमारे चगांव से जुड़े हैं, मैं यही कहता हूं कि हमारे चगांव में एक सशक्त लीडर हो और अच्छी पंचायत के प्रधान आए। माना कि जो है लेडीज आरक्षण है, लेकिन लेडीज भी आज के आज हमारे जो है इंडिया में, भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत आगे काम कर रही है, सशक्त काम कर रही है। और मैं जया के बारे में अच्छी तरह से परिचित हूँ, बहुत जनसेवक का काम करते हैं, चाहे ब्लड डोनेट का काम हो या फिर सामाजिक किसी मुद्दों को लेकर जाना हो। तो इन्होंने काफी चीजें अपने कॉलेज लाइफ में SFI के साथ किया है, वो आज हमारे साथ उपस्थित हैं और उनके उनके साथ हम और परिचर्चा करेंगे। जया जी, हाँ जी सर। जैसे कि आप एक सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहते हैं, मेरी एक अपील है, सालाना एक जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो रखा जाए आप पंचायत में। सर जी बिल्कुल, आपका ये सुझाव बहुत ही अच्छा जी है। शायद ये मेरे जहन में था नहीं, क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे तो ये चीजें हमारे जहन में होती थी कि भाई हाँ यूथ है, मतलब कि हम लोग काफी ब्लड डोनेट करते थे, हम लोग मतलब कि भी ऑर्गेनाइज करते थे हम खुद। तो ये चीज आपने बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत अच्छा सुझाव दिया है। तो भैया जी बिल्कुल डेफिनेटली हम इस चीज को करेंगे। मैं तो खुद एक मतलब कि रेगुलर ब्लड डोनर रह चुकी हूँ, तो मतलब कि ये चीज मेरे लिए बहुत ही मतलब कि ये बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य हो सकता है कि भी लोगों को मतलब कि हाँ यूथ को, जैसे कि यूथ को इसमें मतलब इन्वॉल्व करके ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। जया जी, आपके लिए रतन नेगी का सवाल है कि जिसमें किस्मे दंग में रास्ते मैं और पानी की समस्या है, इसका जरूर आप जो है निवारण करेंगे पंचायत में आने के बाद हाँ जी क्या? विराट कोहली से यही कहना चाहूंगी कि भाई हाँ जहाँ पे अगर ये पहले भी वही आया है कि भाई पानी और ये क्या बोलते हैं रोड, तो रोड तो मतलब कि पूरे गांव में जो भी समस्या है वो मतलब कि वो प्रायोरिटी में वही है कि वो जो रोड और पानी का है वो देखा जाएगा। जो तिस्मेंडंग वाला जो रोड आना है आपका, ये क्या बोलते हैं तिस्मेंडंग से ऊपर होके जहां तक हो सके, या फिर जो वहां जनकपुरी वाला कनेक्ट करना है, वो ये चीजें बिल्कुल इसमें ध्यान देंगे। जया जी, जो पुराने रास्ते हैं जिनको अब मिसयूज मतलब यूज नहीं करता है, लेकिन सर्दियों में हम उसी रास्तों का प्रयोग करते हैं, क्या आप पुराने रास्तों को भी ठीक करवाएंगे क्या आप? जी, हाँ ये चीजें तो वो ये चीज जैसे कि निश्चित तौर पर अगर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो ये चीजें तो जो वार्ड मेंबर्स होंगे उनके उनसे मिलकर भाई वो जो मतलब कि हाँ ये ग्राम सभा में ये चीजें आएगी तो भाई उनके थ्रू ये काम होंगे, बिल्कुल होंगे। जो जहाँ पे भी लगता है, चाहे आपका ये जो स्ट्रीट लाइट लगे हुए है, मतलब कि और भी बहुत सारी समस्या है, जो भी वार्ड वार्ड में जितनी भी समस्या आई होगी उन चीजों को सुलझाने का बिल्कुल निश्चित तौर पर उन पे काम किया जाएगा। जया जी, मेरा सवाल है, आप याशंग से लेकर टापरी पैदल आए हो कभी? सर मैं तो जब भी मैं अगर टाबी चलना हो तो इवन मैं वहीं से चलती हूँ सर। आपने देखा है वहां पर कहाँ कहाँ रास्तों का सुधार होना चाहिए, कहाँ कहाँ खतरनाक है और वहां पर छोटे बच्चे चलते जी हैं? वहां तो पूरा आपका जब याशंग से नीचे उतरते आपका मतलब कि ये लावले से ऊपर जो रास्टुंग पुल के बोलकर है, वहां रास्टुंगो बोलते हैं, वहां पे रास्टुंगो से लेकर वहां से पूरा सुधारने की जरूरत है। रास्टुंगो से लेकर आपका हालांकि वो नरेगा के थ्रू कुछ कुछ काम हुआ है, बट रास्ता बहुत ही खतरनाक है। शायद वहां पे रेलिंग रूलिंग लगाने की जरूरत है उस रास्ते में, तिस्मेंदंग से ऊपर लावले से नीचे, जो तिस्मेंदंग के बीच में है नीचे, मतलब कि जी जहां तक अभी जी रोड जो मोड़ तक है वहां तक आपका पूरा रेलिंग लगने नीचे की जरूरत है वहां पे। आप हॉस्पिटल से आप शुरुआत करेंगे, जहां धार आता है वहां से लेकर आपके याशंग तक का पूरा रास्ता, एक पुराना जो रास्ता है उसको बिल्कुल तरतीब से बनाने की आवश्यकता है। आज तक किसी पंचायत ने जोर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जी, अगर निश्चित तौर पर हम इसकी तरफ जरूर सोचेंगे इस भाई उसको मतलब कि उसमें ये जो रास्ते जितने भी सुधार करने की जरूरत है, खासकर वो जो खतरा बना हुआ है उस रास्ते में, उस खतरे को तो कम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां से भाई किसी का भी कभी भी, खासकर सर्दी में अगर बर्फ, हालांकि हमारे गाँव में कम पड़ती है फिर भी हो सकते है बर्फ बुरफ में लोगों को अगर चलना पड़ेगा
आप ये बताएंगे स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता के बारे में क्या करेंगे? आपकी स्वच्छता की कोई प्लानिंग बनाई है? गांव जी में जी गंदगियां बहुत होती वही है। मैं इस पे भी आना चाहूंगी कि भाई ये से जो स्वच्छता अभियान खासकर चगांव गांव में, मतलब कि गांव छोटा हो या बड़ा हो, मतलब कि मुझे लगता है कि चगांव में मतलब कि जो स्वच्छता अभियान चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता की बहुत कमी, मुझे जो मुझे निजी तौर पे लगता है कि भाई चगांव में पूरे गांव में जो स्वच्छता की बहुत ही कमी है। तो वही मैंने ये कहा कि भाई ये चीजें कैसे मुमकिन हो सकती है, वही यूथ को हम इकट्ठा करके कर सकते हैं, महिला मंडल को इकट्ठा करके ये जो अभियान मतलब कि उनके थ्रू ही चल सकता है, नरे युवक को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्वच्छता, और जैसे कि सीवरेज की समस्या बहुत बनी हुई है, ये भी स्वच्छता में आता है आपका, सीवरेज का पानी वहां पे हर कई रास्तों में फैल मतलब कि भी निकल रहा है, स्वच्छता को लेकर भी। आपके लिए सवाल है विनय नेगी का कि पूरे किन्नौर में मतलब 10,000 के ऊपर नोतोड़ की जो पेंडिंग है, तो इस पर आप जो है सरकार के साथ कोई वार्तालाप करेंगे? इन योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट 20,000 पंडित जया जी, पढ़ा आपने ये कमेंट्स? आपने जी, इन आवर इस पर डिस्ट्रिक्ट थोड़ी अबाउट सी 10,000 न्यूट्रस केसेस 10,000 आर के पॉजिटिव। लगभग हमारे किन्नौर में नोतोड़ जो है वो पेंडिंग है, इस पर सरकार से क्या संज्ञान लेंगे आप क्या? जी बिल्कुल, हम सरकार से इस चीज के बारे में जरूर बात करेंगे। विनय जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नोतोड़ का एक अकेली पंचायत कुछ नहीं कर सकती। जितने भी किन्नौर में पंचायत आ रहे हैं सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी इस काम को हम आगे कर सकते हैं। क्योंकि अकेला ये जो सवाल है ये पंचायत लेवल का नहीं है, पूरे किन्नौर लेवल का है। इसके लिए सारी पंचायतों को आगे आना पड़ेगा, जी और बिल्कुल, हमारे जितने भी हमारे लीडर है, जो जो हमारे पक्ष या विपक्ष के जितने भी हमारे यहाँ पर लीडर है या अभी हमारे चेयरमैन आएंगे BDC और जिला परिषद के, उनको भी कदम उठाना पड़ेगा। अकेले एक पंचायत इस पर कुछ नहीं कर सकती। विनय सर, ये विनय जी का सवाल था आपके लिए। आप एक युवा है, युवा होने के नाते आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगी? अच्छा ये सवाल पहले भी आ चुका था, मैं शायद इसका जवाब मैं पहले भी वही दे चुकी है कि युवा होने के नाते कि भी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मतलब कि प्रेरित कर सकूं अच्छी चीजों के लिए, वही कि भाई जो नशा, जो आज के डेट में यूथ नशे की तरफ बढ़ रहा है, कि उसको रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जया जी, मैंने तकरीबन एक चीज नोटिस किया, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपने ध्यान देना, किन्नौर में क्या, पूरे किन्नौर की बात कर रहा हूँ, हम लोग ज्यादा बजट जो है धार्मिक चीजों में लगाते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मंदिर पर हम ज्यादा ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। चाहे किन्नौर में जितने भी मंदिर हो, एक से एक बनाते हैं। हमारे स्कूल है, हमारे हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटलों में हमारे पास एक्सरे की सामान नहीं होते, लेबोरेटरी की वो नहीं होती, स्कूलों में टीचरें नहीं होती, लेबोरेटरियां नहीं होती है, खेल के मैदान नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्या आप भी अपनी आप पंचायत में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा बजट आप शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण पर लगाएंगे या फिर धार्मिक चीजों में आप ज्यादा यूज करेंगे? सर निश्चित तौर पर मैं, अगर बजट का जो भी उपयोग करना है, मैं निश्चित तौर पर शिक्षा के लिए या आपका ये स्वास्थ्य के लिए मैं इस पे ही मतलब कि उपयोग करूंगी बजट का ज्यादा से ज्यादा। बाकी धार्मिक अपनी मतलब कि लोगों की एक आस्था है, मतलब कि उसको भी हम चोट नहीं पहुंचा सकते, बट मैं हाँ एक चीज जो बताता हूँ, आस्था के लिए हम चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। हम जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं, किसी एक किसी बजट को हम वहां लगाए। आस्था के लिए हम चंदा डोनेशन यूज कर सकते हैं। अभी राम मंदिर नहीं बन रहा है इंडिया में, उसके लिए डोनेशन चल रहा है। जी, तो वही बजट मैं वही बोल रही हूँ कि भाई बजट का जो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक जो नींव होती है कि भाई शिक्षा, ज्यादा से ज्यादा खर्चा मतलब कि शिक्षा पे किया जाएगा। आपने आज हमारे साथ बहुत अच्छा सवाल जवाब किया। दोबारा पंचायत में आते तो मैं आप एमसीएन पेज में दोबारा जरूर बुलाऊंगा। अब जी सर, जाते जाते हमारे चगांव वासियों को आप क्या अपील करना चाहेंगे?
सर मैं ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि भाई हाँ, अगर इस पर युवाओं ने अगर मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, तो मैं पूरे ग्रामवासियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप अपनी सोच को बदले, भाई युवाओं को मौका दे और प्रेरित करे, और मतलब कि अपनी सोच को बदल कर मतलब कि वोट करे। जो युवा जोश और जो जुनून होगा युवाओं को, उसको और ज्यादा प्रेरित करे। जाते जाते मैं छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं, जी सर। जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कविता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम पंचायत में जाने से पहले के प्रधान अलग होते हैं और जीतने के बाद के प्रधान अलग होते हैं। मतलब प्रधान की बात छोड़ दो, राजनेता सब एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब पहले हाथ जोड़ेंगे, बाद में हमारे को हाथ जोड़ना पड़ता है। तो मैंने ये भी आपको वही मतलब कि जो आपने कहा था कि स्वागत के लिए, मैं ये शायद ये जवाब मैं पहले दे चुकी हूँ कि भाई हाँ, जनता जनता के सामने इलेक्शन भाई जो चुनाव से पहले कि भाई हाँ नेता हाथ जोड़ते हैं, और बाद में वही मतलब कि जनता उन्हीं के सामने हाथ जोड़ते हैं। मतलब कि ये जो ट्रेडिशन चला है भाई, ये मतलब कि मैंने कहा था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। भाई आप एक जनसेवक के तौर पर चुने जा रहे हैं, तो भाई आप जनसेवक हो भाई, इसलिए आप किसी के मतलब कि किसी को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई आप अगर आप किसी के सामने अभी हाथ जोड़ रहे हैं, तो उसके बाद भी हाथ जोड़े, ना कि वो आपके सामने हाथ जोड़े। जी जी, मेरी छोटी सी रचना है, सर। बदलते तो रोज है। कहने का मतलब कि साल बदल जाते हैं, साल बदलते जरूर है लेकिन ये रोज बदलते हैं। आगे है, साल बदल रहा है, हर साल बदलता है, नया तो कुछ नहीं, वही दिन वही रात रहता है। साल बदल रहा है, हर साल बदलता है, नया तो कुछ नहीं, वही दिन वही रात रहता है। बदलते तो यहाँ रिश्ते हैं, हाँ बदलते तो यहाँ रिश्ते हैं, हर दिन हर वक्त बदलते तो यहाँ विचार है, झूठ सच का तकरार है। हाँ बदलते तो यहाँ विचार है, झूठ सच का तकरार है। कौन कहता है साल बदल रहा है? हाँ कौन कहता है साल बदल रहा है? यहाँ तो हम बदल रहे, हमारी नीयत बदल रही है। यहाँ तो हम बदल रहे हैं, हमारी नीयत बदल रही है। सरकारें बदल रही है, पंचायतें बदल रही है, प्रेमी बदल रहे हैं, वादों से मुकर रहे हैं। सरकारें बदल रही है, पंचायतें बदल रही है, प्रेमी बदल रहे हैं, वादों से मुकर रहे हैं। सब बदल रहे हैं यहाँ, हाँ सब बदल रहे हैं यहाँ, सिर्फ चंद खुशियों के लिए। अपनों से अपने बदल रहे हैं, हाँ अपनों से अपने बदल रहे हैं, समय से हटकर सपने बदल रहे हैं। सब बदल रहे हैं यहाँ, सिर्फ चंद खुशियों के लिए। अपनों से अपने बदल रहे हैं, समय से हटकर सपने बदल रहे हैं। छोटी सी जिंदगी सोच मानव, छोटी सी है जिंदगी सोच मानव, इतना मत बदल इंसानियत ही खत्म हो जाए। हाँ इतना मत बदल कि इंसानियत ही खत्म हो जाए, इतना मत बदल कि रिश्ते ही खत्म हो जाए। साल बदल रहा है, हर साल बदलता है, नया तो कुछ नहीं, दिन वही रात वही रहता है। तो जाते जाते आपके लिए रचना थी, फिर आपके अंदर आप अगर कुछ और छोटी सी छूट गए तो कृपया दोबारा आप हमारे वास जगहवासियों को बताएं, और एक बार प्लानिंग से आप जो सर है उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको एक पंचायत में जिता कर ले आए। जी जी सर सर ये आपकी कविता सुनने के बाद ही मुझे मतलब कि भाई हाँ, गांव वालों से मैं एक मतलब कि ये अपील करना चाहती हूँ कि भाई हाँ, आपकी कविता से याद आया, जैसे कि आपने ये कहा था कि भाई ये जो बदलते रिश्ते हैं जो भी, तो मैं ग्रामवासियों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि आप कृपया मतलब कि अपनी सोच को बदले, थोड़ा परिवारवाद से ऊपर उठकर मतलब कि एक नई सोच को लेकर आगे बढ़े, और मतलब कि उसी के आधार पर अपना वोट कास्ट करे। तो जैसे कि हाँ, पंचायत चुनावों में लोगों का यही कहना होता है कि भाई हाँ, इसमें पंचायत इलेक्शन में भाईचारा खत्म हो रहा है, रिश्ते मतलब कि आपस रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो कृपया आप मतलब कि ये चीजें ना सोचे, मतलब कि भाई आप सिर्फ एक भाई आपके सामने जितने भी प्रतिनिधि है उनके मतलब कि उनकी सोच को देखकर मतलब कि वोट करे, आप बाकी इसमें जो भाईचारा को बना के रखे, रिश्ते बना के रखे। तो मेरा गांव वालों से ये अपील है कि कृपया आप मतलब कि भाई अपना वोट कास्ट करें, तो भाई एक सोच समझ कर, एक नई सोच के साथ वोट कास्ट करें। जैसे कि जया जी ने बताया कि जो पंचायत में आएंगे तो वो
जो है अपना बखूबी से अपना काम करेंगे, क्योंकि पहला पहला अनुभव रहता है और जाने के बाद थोड़ा समय लगेगा। हाँ, मेरा ये कहना कि जितने भी नौजवान उठ रहे हमारे पंचायतों में, युवा युवा उठ रहे, उनके लिए एक मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा एक ऐसी पीढ़ी होती है जिसमें एक सक्षम होता है, जो कभी कहीं बिक नहीं सकते। और हाँ, हालांकि नारी समाज तो एक ऐसा है जो कभी कहीं बिकती नहीं, और खासकर वो महिलाएं जो युवा हो, और मैं इनसे हमेशा यही अपील आशा रखूंगा कि वो अगर पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आते तो हमारे गांव के लिए वो हमेशा तत्पर काम रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि, पर्यावरण आदि पर विशेष ध्यान दे। और निजी मेरा एक सवाल रह गया था, मैं जाते जाते एक सवाल पूछूंगा। जी सर, गांव के सामाजिक मुद्दे तो सबके होते हैं, सामाजिक मुद्दा है रास्ता रास्ता, पानी, बिजली, सड़क, जो भी चीज़ है, ये तो आता, ये गांव के ही मुद्दे हैं, और इसके लिए बजट है सरकार की, आती रहती है। आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि पर्सनल काम आते हैं, पर्सनल काम में आप क्या देखेंगे? अगर कांग्रेस बीजेपी देखकर आप दरकिनार कर देंगे, या फिर सबको एक साथ लेकर चलेंगे? जी सर, हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं निर्दलीय हूँ तो निश्चित तौर पर मतलब कि मैं एक जनसेवक हूँ, तो यहाँ पे मैं ये नहीं देखूंगी कि यार कि भी अगर मुझे इलेक्शन से पहले इन लोगों ने समर्थन किया था तो कि मैं इनका काम पहले ही निकालूं। तो जितने जी भी काम, जितना भी बजट आता है, तो मैं मतलब कि और मतलब कि जो गाँव की कोई भी हो, मैं सबके लिए इक्वली काम करना चाहूंगी। और एक कमियां रहती है गांव के अंदर में, एक चीज बताता हूँ, सोशल मीडिया का ज्यादा प्रयोग होना चाहिए, और जब पंचायत में आने के बाद पंचायत ग्राम पंचायत का एक अलग पेज होना चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है कि यहाँ पर कब आपका ग्राम सभा हो रहा है, गांव में क्या चीजें हो रही है। एक नई तकनीकी का उपयोग जो है हमारे प्रधानों को करना चाहिए, तकरीबन काफी लोगों को पता नहीं चलता है कि कब ग्राम सभा हो रही है, कब गाँव में क्या चीज हो रहा है। क्या आप जो है इस तकनीक का उपयोग करेंगे, नए तकनीकों का, जिससे लोग जुड़े, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा? जी बिल्कुल, अगर तकनीकी अगर बनी हुई है तो भी उसका फायदा भी जरूर लिया जाएगा भी। इसीलिए मतलब कि भी जो जितने भी तकनीक बन रहे हैं कि आप उसका मतलब कि भी आप लोग उसका फायदा उठा सके, तो भी हम बिल्कुल इस चीज का फायदा उठाएंगे कि भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब कि भी अवगत कराने की कोशिश करेंगे। जया जी, एक्चुअली मैं भावानगर में रहता हूँ, 12 साल से भावानगर में हूँ, लेकिन मुझे इन इन साल इतने साल पंचायत में आए, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि कब कब ग्राम सभा होता है। कारण ये है कि हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि है तकनीकों का उपयोग नहीं करते, जबकि बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, पगरामंग ग्रुप, राजरामंग ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, लेकिन कोई भी पंचायत के बारे में नहीं बताता है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, जब पंचायत में आएंगे तो जरूर इन चीजों का उपयोग करें, और हमारे गांव का सुदृढ़ एक अच्छा आप शासन करेंगे। तो आज हमारे पेज से जुड़े हैं एमसीएन पेज के, और एमसीएन के दर्शकों का आप क्या कहना चाहेंगे अंतिम जाते जाते? जी एमसीएन के दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई हाँ, जितने भी दर्शक यहाँ पे आए, उन्होंने जितने भी हमारे से सवाल किए, बहुत अच्छे सवाल आए, तो मैं उन लोगों से और भी आग्रह करना चाहूंगी कि आप इसी तरह से एमसीएन से जुड़े रहे, और भी मेरे पास भी बहुत सारे और भी प्रतिनिधि आने वाले हैं, तो आप उनसे लगातार जुड़े रहे और लोगों के आप मतलब कि उनके व्यूज जाने और उनसे भी सवाल करें। यही मतलब कि एक हेल्दी मतलब कि जो डिबेट हो रहा है, जितनी भी जो परिचर्चा हो रही है, मतलब कि सबके लिए निश्चित तौर पर काफी अच्छा है। जया जी, जैसे आप प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, हम 6 महीने के बाद दोबारा आपको बुलाएंगे, क्योंकि दोबारा एपिसोड चलेगा हमारा जनता की अदालत, उसमें हम ये जानेंगे कि 6 महीने के बाद आपने पंचायत में क्या काम किया है। जी बिल्कुल, तो धन्यवाद, मिलते हैं, आपको शुभकामनाएं, बधाई, आप जो है जरूर जो है पंचायत इलेक्शन जीत कर आए और एमसीएन के साथ दोबारा जुड़े। नमस्कार जी। हाँ, हमारे साथ जुड़े थे जया जी, जो चगांव पंचायत के प्रतिनिधि प्रधान के लिए है। मैं सभी ग्रामवासी से निवेदन करता हूँ, 100% मत का प्रयोग करें, और कोविड का ध्यान देते हुए जो है हमारे इलेक्शन का जो है इलेक्शन का जो नियमों का पालन करें। हाँ, जहाँ तक हो सके जो युवा पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश करें, युवा की सोच अलग होती है, युवा जो है हमेशा जो है दिन रात मेहनत कर सकता, हम उसको जब मर्जी जगा सकते हैं। तो अभी दोबारा हमारा 7 बजे एपिसोड चलना है, आज हमारे गांव की सरकार आपकी सरकार से, कोठी से हमारे दयाल सिंह नेगी जी जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं, नमस्कार, राम भगत नेगी, कल हम मिलेंगे
नए एपिसोड में जो 5:30 बजे है, निचार से बसंती नेगी पूर्व प्रधान रह चुके प्रधान है, तो वो भी अपने विचार रखेंगे। ग्राम पंचायत प्रधान निचार से वो प्रतिनिधि चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने विचार बताएंगे, अपने ग्राम पंचायत निचार के लिए क्या करना चाहेंगे। तो कल मिलते हैं 5:30 बजे, और अभी 7 बजे दोबारा फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।